मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो इस मामले को लेकर आर पार के मूड में है, वहीं अब राष्ट्रीय महिला आयोग की एक्शन भी सामने आई है। NCW ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। वहीं विवादित पोस्ट के बाद लगातार विरोध का सामना कर रही सुप्रिया श्रीनेत ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है बल्कि उनका सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों में से किसी ने किया है। इस बीच कंगना रनौत दिल्ली आ रही है, यानी ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा। मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती है। केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत मुश्किल में फंसती दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं और कंगना रनौत के पलटवार के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस मामले में एक्शन के मूड में है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के इस हरकत के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। NCW की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और HS अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर कंगना के बारे में भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की। इस तरह का व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें। वही फजीहत होने के बाद अब सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, इनमें से किसी ने विवादित पोस्ट किया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं, मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया के विवादित पोस्ट पर कंगना ने भी जवाब दिया। कंगना ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल में मैंने हर तरह के महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में सेडक्टिव स्पाई बनी, फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी तो चंद्रमुखी में एक डेमोन के तौर पर नजर आई। हर महिला सम्मान के हकदार है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वही बीजेपी नारी शक्ति के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस को आसानी से माफ करने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मामले में राहुल गांधी को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में लिखा है, ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच, जहां महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। कंगना को मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस में सबसे ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि मंडी सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह का गढ़ है और इस बार उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर दावेदार हैं, जिनका सीधा मुकाबला अब कंगना रनौत से होगा। कांग्रेस में डर कंगना के तेवरों को देखकर भी है, जो उम्मीदवारी से पहले कंगना ने जाहिर कर दिए थे। यही वजह है कि कंगना की उम्मीदवारी के बाद सुप्रिया श्रीनेत ही नहीं, गुजरात कांग्रेस के नेता HS अहीर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में जरा भी नहीं है। मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको?
उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया क्या? कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उनने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, हम डिमांड करते हैं कि न केवल सुप्रिया श्रीनेत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, पर अगर प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को मानती है तो खड़गे जी, प्रियंका जी और राहुल जी इस व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से निकाले और माफी मांगे। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया, अब सुप्रिया श्रीनेत ने नारी शक्ति का, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को 2024 के चुनाव में महिलाओं की अस्मिता से जोड़ रही है।